ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। देवों के देव महादेव वैसे तो अपने भक्तों के हृदय में बसते हैं, मगर हिमालय में कैलाश उनका घर माना जाता है। वैसे ही उत्तर भारत का काशी शहर भी महादेव का प्रिय नगरी है। उनके 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर इसी शहर में है। और स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन शहर काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजित है। भारत में 7 ऐसे शहर हैं जिनको मोक्षदायी सप्तपुरी में गिना जाता है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैव, सप्ताई ते मोक्षदाया का। इस श्लोक में कथित कांचीपुरम को दक्षिण का काशी माना जाता है। मगर क्यों है ये शहर महत्वपूर्ण, कैसा रिश्ता है कांची से शिव का, आइए महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जानते हैं कांची से जुड़ी शिव लीला की कहानी। मगर पहले पता करते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। यह तब की कहानी है जब राजा हिमवंत अपने पत्नी मीनावती के साथ हिमालय में रहते थे। उनकी पुत्री पार्वती को भोलेनाथ के पत्नी सती का ही अवतार माना जाता है। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को पूजती थी। भगवान शिव के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति भाव से माता पार्वती योगिनी बनने कैलाश पर्वत आ पहुंची। उन्होंने दिन रात भगवान शिव का ध्यान किया और उनकी ये असीम भक्ति देखकर शिवजी का ध्यान आकर्षित हुआ। आखिरकार उन्होंने देवी पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वो रात भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की रात थी, जिसे बाद में महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। शंकर भगवान और देवी पार्वती के विवाह मौजूदा उत्तराखंड राज्य के त्रियोगी नारायण मंदिर में संपन्न हुआ था। कुछ ऐसी ही कहानी कांचीपुरम शहर की है, जिसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। कांचीपुरम शहर में एकांबरेश्वर मंदिर भगवान शिव के अपार लीला का ही सबूत है। यहां माता पार्वती के अवतार कामाक्षी अम्मन ने महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। आम के पेड़ के नीचे माता कामाक्षी रेत से शिवलिंग बना के पूजने लगी। भगवान शिव ने उनकी तपस्या भंग करने की बहुत कोशिश की, मगर शिव के लिए उनका प्रेम भाव ही उनकी ताकत बनी रही। यहां तक भीषण बाण में शिवलिंग बह जाने की नौबत आई तो देवी कामाक्षी शिवलिंग को गले लगाकर बैठी रहीं। कामाक्षी के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव कांचीपुरम में मनुष्य रूप में आकर मां कामाक्षी से विवाह किया। हिंदू संस्कृति में पंच महाभूत यानी पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु का बहुत महत्व है। वैदिक साहित्य में भी इन महाभूत को किसी न किसी देवता से जोड़ा गया है और दक्षिण भारत में इन 5 महाभूतों से जुड़े मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें पंच भूत स्थल कहा जाता है। इन 5 मंदिरों में शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम शहर में स्थित एकांबरेश्वर मंदिर पंचभूत स्थलों में से एक है, जो पृथ्वी स्थल को दर्शाता है। इसी मंदिर में एकांबरेश्वर के रूप में महादेव और देवी कामाक्षी की कल्याण मूर्ति है, जो उनके विवाह का प्रतीक है। मंदिर परिसर में वो 3,500 साल पुराना आम का पेड़ भी है। रहस्य की बात यह है कि इस पेड़ में 4 किस्म के आम उगते हैं, जिनका स्वाद अलग अलग होता है। कांचीपुरम को 1,000 मंदिरों का शहर कहा जाता है और इनमें से एकांबरेश्वर मंदिर सबसे बड़ा और शानदार है।
इस मंदिर का राजगोपुरम 152 फुट ऊंचा है, जिसके दरवाजे के सामने ही शिवलिंग को आलिंगन करती कामाक्षी देवी की प्रतिमा है। द्रविड़ियन स्थापित शैली में निर्मित इस मंदिर में 5 भव्य गलियारे हैं। मंदिर के मुख्य मंडप में भगवान शिव विराजमान हैं। रेत से बने होने के कारण इनका जलाभिषेक नहीं होता है। मंदिर के भीतर 1008 शिवलिंग और हैं। और मंदिर परिसर में मंडप युक्त एक सुंदर तालाब भी है, जिसे शिव गंगा तीर्थम कहा जाता है। मंदिर रोजाना सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक खुली रहती है। अगर आप इस पवित्र मंदिर में पहुंचना चाहते हैं तो आइए अब जान लेते हैं कि आप कांचीपुरम कैसे पहुंच सकते हैं। तमिलनाडु राज्य के राजधानी चेन्नई से कांचीपुरम 75 किलोमीटर दूर है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो चेन्नई तक पहुंच के गाड़ी रिजर्व करके कांचीपुरम का डे ट्रिप कर सकते हैं। शिव मंदिर में सोमवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ होने के कारण दर्शन में काफी वक्त लग सकता है। साथ ही देवी कामाक्षी अम्मन मंदिर और दूसरे कई मंदिर भी दर्शन करने में दिन भर का वक्त लग जाता है। इसीलिए कांचीपुरम सुबह 7-8 बजे तक पहुंचना जरूरी हो जाता है। चेंगलपट्टू स्टेशन कांचीपुरम शहर से लगभग 42 किलोमीटर दूर है और यहाँ तमाम एक्सप्रेस ट्रेन रुकती भी हैं। तो यहाँ से ऑटो रिजर्व करके भी कांचीपुरम में एकांबरेश्वर और दूसरे मंदिर घूमना मुमकिन है। हालांकि लोकल ऑटो ड्राइवर के साथ संचार में लैंग्वेज का दिक्कत हो सकता है। महाशिवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दुनिया भर के शिव भक्त शिवरात्रि के दिन उपवास रखते हैं और सर्वशक्तिमान शंकर की प्रार्थना के लिए पूरी रात जागते रहते हैं। इसके साथ साथ भक्त शिवलिंग पे दूध, नारियल और शहद भी चढ़ाते हैं। उम्मीद है आज के दिन इस अनोखे शिव मंदिर के बारे में जानकर आपको भी अच्छा लगा होगा।